नमस्कार दोस्तों, एचएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदीपक त्रिपाठी और आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। कोई वस्तु यहाँ से उठा के यहाँ रख दी जाती है या यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगी, तो ये अपने बीच में जो ये स्पेस छोड़ेगी यही इसके बीच की दूरी होगी। और जो चाल होती है, चाल क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक गई, इसने कुछ समय लिया, भी एक दूरी तय करने में जितना भी समय लेगी वही उसका चाल होगा। मतलब क्या होता है, चाल बराबर दूरी, जितनी दूरी चलेगी जितने समय में कोई दूरी तय करेगी वही उसकी चाल होगी। यहां से एक फार्मूला निकलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी होता है डिस्टेंस, टाइम, समय होता है टाइम, और चाल को कहते हैं स्पीड, एस बराबर डी अपान टी होता है। ये इसका बेसिक सा फार्मूला होता है जिसको कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से चाल का मात्रक भी निकल आता है। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो चाल बराबर क्या निकलता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। और दूरी का एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं किलोमीटर। और टाइम का दूसरा मात्रक होता है घंटा। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से क्या होता है, हमें यहाँ पर इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना भी सीखना है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, कोई स्पीड किसी की दी गई है जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और यदि अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें यहाँ पर सीखने की जरूरत है। जो यहाँ पर सीख जाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आ जाएंगे। जैसे किसी चीज का स्पीड दी गई हो, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई हो, कोई स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये 5/18 कहाँ से आ गया, ये आपको बताते हैं दोस्तों। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। और वहीं पर अगर घंटे को सेकंड में बदलना है तो इसे घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड होता है एक मिनट में, तो यहाँ पर एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे, 1000/3600। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1000/3600 हो गया, इसको काट दिया जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 × 5 = 10 और ये 18 हो जाएगा। 5/18 हम लोग कहाँ से लेकर आए हैं, यहीं से लेकर आए हैं, 5/18 यहीं से लेकर आए हैं। और अगर कभी हमें मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, किसी की चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर जब भी करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 18/5 बराबर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसे 5/18 के उल्टे से, यानी 18/5 से गुणा कर दिया जाएगा और आसानी के साथ आ जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठा के देखते हैं, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी बिल्कुल शुरुआती क्लास है, इसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे चलकर हम लोग अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सरल तरीके से आपको हल करना सिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 250 मीटर चौड़ी है सड़क,
सड़क जो है वो कितनी चौड़ी है? ये एक सड़क है जो कितनी चौड़ी है? 250 मीटर। ये सड़क 250 मीटर चौड़ी है, 75 सेकंड में पार कर लेता है। कोई व्यक्ति है जो यहां तक 75 सेकंड में 75 सेकंड में 75 सेकंड में इसे पार कर लेता है, तो उसकी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो चाल निकलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, मीटर ऊपर रहेगा सेकंड नीचे, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। और ज्ञात किस में करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ से इसको यहाँ तक यानी 250 मीटर जाने तक यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया? डी हो गया 250 मीटर। और ये टाइम जो है टी हो गया 75 सेकेंड, टी हो गया 75 सेकेंड। इसको 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 75 सेकेंड अगर लगते हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी? इसकी जो चाल होगी इसकी स्पीड होगी एस बराबर डी अपान टी, और ये इसकी चाल होगी 250/75। 250/75, 25 से काटेंगे, 25 दाम 250 और 25 3 75, 10/3 इसकी चाल आएगी। 10/3 जो इसकी चाल होगी वो होगी मीटर प्रति सेकंड में, और जब मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 18/5 से, और जैसे ही 18/5 से गुणा करेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 3 18, 6 2 12, इसकी स्पीड कितनी निकल आएगी? 12 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर क्या पूछा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। उसकी चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में निकल आई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, कितने समय में सर्वेश 400 मीटर की दूरी तय करेगा यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है? वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसे 400 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो वह कितने समय में? और समय दिया गया है 1 सही 1/2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सही 1/5 मिनट। हमें यहाँ पर मिनट में दिया गया है, यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, यहाँ पर 400 मीटर दिया गया है। यानी कोई भी इकाई कोई भी मात्रक एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है, इन सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बदलना ही होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या बदल सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इसकी चाल है, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, डी दिया गया है 400 मीटर, 400 मीटर डिस्टेंस दिया गया है। हम इसे क्या करेंगे, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें 20/5/18 कर देना है। जैसे ही हम 20/5/18 करेंगे ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इसे काट दिया जाएगा, इसे काट दिया जाएगा तो आ जाएगा 50/9, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। और ये डिस्टेंस दिया गया है 400 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका टाइम, टाइम निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम। और जब हमें डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, टाइम निकालना है, टाइम आ जाएगा इधर तो बन जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 400 मीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड है 50/9, 50 यहाँ रहेगा, 9 नीचे बटे में रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 से 0 5 8 40, और ये 72 हो जाएगा। 72 क्या निकला है दोस्तों, 72 निकला है सेकेंड, 72 सेकेंड आया है। इसे हम क्या करेंगे, इसे 60 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, 72/60 मिनट हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो कैसे कटेगा, 8 4 से कट जाएगा, 15 4 1 4 18 हो जाएगा ऊपर,
और फिर ये कटेगा 3 से, 6 5 6/5 आ जाएगा, 6/5 एक सही 1/5 मिनट आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम लोग इसकी यूनिट को चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, और फिर यहाँ पर सेकंड से मिनट में कैसे बदला जाता है। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सीखने थे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक इस टाइप का सवाल देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, एक मोटरसाइकिल किसी दूरी को 210 मिनट में तय करती है, यानी जो पूरा डिस्टेंस है वो इसे 210 मिनट में पूरा कर लेती है, 210 मिनट में तय कर लेती है। यदि वह एक तिहाई दूरी, यानी जो दूरी है उसका 1/3 हिस्सा है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष दूरी जो बची हुई दूरी है उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो, तो कुल दूरी क्या थी, टोटल दूरी क्या थी जिसे उसने 210 मिनट में तय की है। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 भाग, 1/3 भाग दिया हुआ है, कोई एक दूरी है जिसका 1/3 भाग हमें दिया गया है, और 1/3 भाग दिया गया है, और बोला गया है कि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है वह दूरी क्या होगी, जब जब एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दूरी कितनी थी, जो दूरी थी वह एक तिहाई थी। एक तिहाई का मतलब अगर एक में एक 1/3 घटा दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, और जो शेष दूरी बची हुई है वह शेष दूरी हो जाएगी 2/3, यानी अब दूरी कितनी बची थी, 2/3 बची थी। 2/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये तय करता है। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर एक चीज करना है, उस चीज में क्या होगा कि हमें ये जो 1/3 है, कोई ऐसी हम क्या करेंगे, जो टोटल दूरी है उसको कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानना पड़ेगा यहाँ पर, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, या फिर कोई संख्या मान सकते हैं, हम जो चाहे वो मान सकते हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम भारत में रहते हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो 3, यानी 1/3, जिसका 1/3 भाग आसानी से निकाला जा सके, जिसका 2/3 भाग आसानी से निकाला जा सके, और जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, ऐसी संख्या मानेंगे। ऐसी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या होगी 60, जैसे 20 30 60, तो 3 से तो ये कट ही रहा है और 30 से भी कट जाएगा, तो क्या होगा, 60 मान लेंगे। ये 60 हमने क्या मानी है, ये हमने टोटल डिस्टेंस मानी है। टोटल डिस्टेंस हम 60 अगर मान लें तो क्या होगा कि जो एक तिहाई दूरी है, तो 60 का एक तिहाई क्या होगा, 60 का एक तिहाई होगा 20। ये एक तिहाई जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है वह डिस्टेंस क्या है, यह डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर, और जो 2/3 है, 2/3 होगा इसका 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ये यहाँ पर 60 है, इसका 1/3 20 कैसे आया, तो 60 को 1/3 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो इसका 1/3 होगा, और जब 60 को 2/3 से गुणा कर देंगे तो जितना आएगा वो इसका 2/3 होगा। तो जब 2/3 से गुणा करेंगे तब 40 आएगा, जब 1/3 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब हमारे पास दो डिस्टेंस हो गई हैं, एक डिस्टेंस है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये दूसरी डिस्टेंस है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सीधे सीधे हमको इसका टाइम निकालना होगा कि कितना टाइम लेता है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, टाइम बराबर d/s, यानी डिस्टेंस है यहाँ 20 किलोमीटर, और टाइम की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा 20 एक कम 20, यानी 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ पर टाइम निकलेगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, 4/3 घंटा, 4/3 घंटा, 0 0 कट जाएगा, डिस्टेंस है 40, स्पीड है 30, 4/3 घंटा निकलेगा। अगर इनको सेकंड में, इनको मिनट में अगर बदला जाए तो 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। यहाँ पर 4/3 है, इसको 60 से गुणा कर देंगे,
60 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट यहाँ पर आ गया है, 60 मिनट यहाँ पर समय लेता है, इन दोनों समयों को जोड़ देंगे तो समय टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 यानी 140 मिनट हो जाएगा। 140 मिनट का मतलब हमने यहाँ पर ये माना था डिस्टेंस, तो ये हमारा माना हुआ टाइम है। जो टोटल टाइम है वो 140 यूनिट इसको मान लेते हैं, ये 140 आया है जो अभी सत्य नहीं है। सत्य क्या है, सत्य है 210 मिनट। ये जो है मोटरसाइकिल से पूरा टाइम जो इसने कवर किया है दूरी, वो 210 मिनट में किया है। तो 140 बराबर 210, यहाँ पर हमें 140 यूनिट को 210 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये माना था। और अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस ये पूछ रहा है, कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी यहाँ पर कितनी थी, 60 थी। जब 140 यूनिट बराबर 210 मिनट होगा तो 60 जो इसकी दूरी थी वो 60 यूनिट बराबर क्या होगा, 60 यूनिट बराबर होगा 210 गुणित 60 बटे 140। ये 140 नीचे चला जाएगा, और 60 यूनिट निकालना है तो 60 से गुणा कर दिया जाएगा। इसको हम लोग आसानी से काट देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21, 3 × 9 = 90, 90 यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर रहा होगा, जिसे इसने 210 मिनट में पूरा तय किया है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में बहुत अच्छे से नहीं भी आया हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होगा, जिसे हम फिर से समझेंगे और बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको सिंपल तरीके से आसानी से किया जाए, जल्दी से किया जाए, अगर आप परीक्षा में बैठे हो और बहुत जल्दी से करना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। 1/3 दूरी है, 1/3 दूरी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वहीं पर दूसरी दूरी 2/3 हो जाएगी, 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2/3, 2/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब हम ऐसी संख्या लेंगे 60 हो जाएगा, 60 क्या होगा, ये हो जाएगी दूरी 20, ये हो जाएगी 40, और ये 1 आ जाएगा, 1 का मतलब 60 मिनट, ये यहाँ पर 3/4, 3/4 का मतलब 80 मिनट, 8 × 6 = 14, 140, 140 बराबर 210, तो 60 बराबर कितना होगा, 210 गुणित 60/140, 0 से 0, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 3 × 9 = 90, 90 किलोमीटर। बस इतना ही टाइम इसमें लगने वाला है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बस इतना ही टाइम इसमें लगने वाला है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करके कुल 47 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी क्या है, कुल दूरी हमें बताना है कि टोटल कितनी दूरी है। यहाँ पर क्या है कि 3 जो दूरियां दी गई हैं वो दूरियां समान हैं, वो एक समान दूरियां हैं, जिनको 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 स्पीड हैं, ये 3 क्या है, स्पीड हैं, ये चालें हैं, जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम क्या मानेंगे जो इन तीनों से कट जाता हो, मतलब इन तीनों का एलसीएम हो। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 60, 60 होगा इन तीनों का एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि 60 दूरी ये, अगर 60 दूरी ये चले, 60 दूरी ये चले, 60 दूरी ये चले, इस स्पीड से चले, 60-60 दूरी, तीनों दूरियां समान हैं, इनकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी 3 से गुणा करके 180 किलोमीटर। ये अगर 180 किलोमीटर की दूरी को 60 से, 60 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से और 60 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करें, तो इनकी टोटल दूरी हो जाएगी 180 किलोमीटर। और यहाँ पर जो समय हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा,
3 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यानी समय बराबर एस अपान डी अपान एस डी अपान एस, डिस्टेंस है 60, स्पीड है 3, तो कितना हो जाएगा 20, 20 तीन 60, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। इन्हें 20 घंटे लगने वाले, इन्हें 15 घंटे और इन्हें 12 घंटे लगने वाले हैं। ये कह रहा है कि टोटल 47 मिनट का समय लगता है, 47 मिनट का समय। यहाँ पर दोस्तों इनको इतने घंटे लगेंगे, इनको घंटों को मिनट में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 60 से। तो चलिए पहले टोटल टाइम देख लेते हैं कितना होगा। टोटल टाइम होगा 5 2 7 और 2 3 और 4, इनको लगेंगे 47 घंटे। 47 घंटे यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, इनको इतने मिनट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मिनट क्या है, यहाँ पर हमने 60 माना था, ये सत्य नहीं है। सत्य वही है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 47 मिनट, तो ये हम मान के चलते हैं कोई यूनिट है जो हमने अपने मन से मानी थी। यहाँ पर क्या है, 47 मिनट दिया हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा 47 मिनट। तो समय हमारा बराबर कर दिया है हमने। कुल दूरी पूछा गया है, कुल दूरी है 180 मीटर। जब यहाँ पर 47 × 60 बराबर 47 है, तो यहाँ पर 180 जो है वो 180 लिख लेंगे। 180 यूनिट बराबर क्या होगा, 47 × 180 / 47 × 60। ये उठकर नीचे चला जाएगा और ये हमको 180 यूनिट का निकालना है, तो 180 से गुणा कर देंगे। आंसर देखते हैं क्या आएगा, 6 से काट देंगे, 6 × 3 = 18। 3 किलोमीटर आंसर आएगा, यही सत्य होगा। 3 किलोमीटर दूरी ये लोग तय करते हैं 47 मिनट में। तो अपना आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित चाल से चलती हुई ट्रेन 539 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है, उसी चाल से 833 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। यहाँ पर देखिए 539 किलोमीटर की दूरी है जो 11 घंटे में तय करती है, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना होगा, 539, डिस्टेंस कितना होगा 539, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 11 घंटे। यहाँ पर हमें स्पीड कितनी निकल आएगी, 11 × 4 = 44 और 99, 4 × 44 और 9 बचेगा, 53 में 44 जाएगा 9 बचेगा, 99 49 हो जाएगा। स्पीड कितनी निकली, 49 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड निकली 49 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है उसी चाल से ट्रेन 833 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, यानी स्पीड यही रहने वाली है, दूरी बढ़ जाएगी, दूरी हो जाएगी 833 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 833 किलोमीटर, और हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। स्पीड हम इसके नीचे बटे में कर देंगे 49, 7 से कटेगा ये, 7 × 49 और ये 7 × 7 = 63, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 49, 17 घंटे टाइम लगने वाला है इसको, जब ये 833 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो इसे 17 घंटे लगेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यह क्वेश्चन जो थोड़ा सा इजी था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, यह है आज का अगला क्वेश्चन। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग यानी 1/2 भाग 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग कौन सा होगा, जब आधा भाग निकल गया है तो आधा भाग बचा हुआ होगा, जो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसे कुल 2 घंटे 42 मिनट का समय लगता है, यानी आधा भाग ये और आधा भाग ये, दोनों भागों को जब वो पूरा जितना दूरी होता है उतना कवर करने में उसे 2 घंटे 42 मिनट का समय लगता है। तो वो वही पूरा टोटल दूरी पूछ रहा है, आधा भाग कवर करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसे टोटल समय जो लगता है वो टोटल समय लगता है 2 घंटे
42 मिनट, 2 घंटे 42 मिनट लगता है, यही टोटल डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या करते हैं, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर लिख लिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये है स्पीड, ये है स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है स्पीड है। हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 200, एलसीएम इनका 200 आएगा। तो क्या करेंगे, 200 ये 200 और ये 200, हम मान लेंगे कि ये 200 किलोमीटर चलता है 40 की स्पीड से, ये 200 किलोमीटर की स्पीड यानी 200 किलोमीटर की दूरी चलता है 50 की स्पीड से। तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। ये 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर चल रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा, टाइम कितना लेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 4 × 5 = 20, ये लेगा 5 घंटे, और ये कितना लेगा, ये लेगा 4 घंटे। ये दोनों मिलाकर टोटल समय यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 घंटे 42 मिनट लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 घंटे आ रहा है। 9 घंटे यानी हम 9 यूनिट इसको मानेंगे, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जो यहाँ दिख रहा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है सत्य वही है। तो यहाँ पर हम इसको 9 यूनिट लिख ले रहे हैं। 9 यूनिट बराबर कितना होगा, यानी 9 घंटे बराबर होंगे 2 घंटे 42 मिनट के। 2 घंटे हैं, 2 घंटे ऐसे लिख लिया है, 42 मिनट है, इसको भी घंटे में चेंज करेंगे, बटे 100 करेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 60, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 सही 1 7/10। तो क्या होगा, 10 × 2 = 20, 20 × 7 = 27, 27/10 हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर 27/10। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 3/10, 1 यूनिट बराबर 3/10। हमें क्या करना है, हमें कुल दूरी निकालना है, कुल दूरी निकालनी थी। 1 यूनिट 3/10 है, तो हमारा ये 400 किलोमीटर जो यहाँ पर कुल दूरी है ये निकालेंगे, 400 किलोमीटर यानी 400 यूनिट कितने के बराबर होगा, 400 यूनिट होगा 400 × 3/10, 10 से 0 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 4 × 3 = 12, 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब इस तरह से लगाते हैं, एलसीएम लेके लगा लेते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया गया है, ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर हो तथा दोनों समान दिशा में चल रहे हों, तो कितने घंटे में बी ए को पार कर लेगा, कितने घंटे में बी ए से आगे निकल जाएगा, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर बी और ए दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों या फिर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हों, हमें इनके बीच की सापेक्ष चाल निकालनी पड़ती है। सापेक्ष चाल क्या होता है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सापेक्ष चाल जो होती है, जैसे कुछ चाल होगी ए की, कुछ चाल होगी बी की, अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ए की जो चाल होगी और बी की जो चाल होगी ये आपस में घट जाएंगे, ये इसको अगर पकड़ना चाहेगा तो जब तक ये यहाँ तक आएगा ये कुछ तो आगे निकल ही चुका होगा, ये अगर कुछ आगे निकल चुका होगा तो इसको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए इनकी चाल को आपस में घटा दिया जाता है। और वहीं पर अगर ये बी है, ये ए है, ये दोनों एक दिशा में ना हो करके विपरीत दिशा में ये ए की तरफ चले और ये बी की तरफ चले, तो ये दोनों लोग यहीं पर आके मिल जाएंगे, यहीं पर कहीं पर आके मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि ये दोनों लोग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, इनकी जो स्पीड होगी, इनकी जो स्पीड होगी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो सापेक्ष चाल क्या कहता है कि जब भी कोई
दो लोग एक ही दिशा में गत करेंगे तो इनकी चालें घट जाएंगी, और जब भी कोई दो लोग अपने विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे की तरफ, ये ए की तरफ ये बी की तरफ गति करेगा तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ए और बी, ए चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समान दिशा पर समान दिशा में चल रहे हैं। ए चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 4, तो इनके बीच की चालें जो है वो घट जाएंगी, 4 में 3 जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बीच की दूरी है, इनको 6 किलोमीटर बीच की दूरी तय करनी पड़ेगी। बी को ए को पार करने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर का गैप तय करना पड़ेगा, जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कर पाएगा। ये चलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन ए के लिए वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो ए भी चल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा डिस्टेंस, और सापेक्ष चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, 6 घंटे, 6 घंटे इसको समय लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो आगे अब हम कल बात करेंगे, अगला वीडियो कल आएगा जिसमें हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो जो आप हमें बताना चाहते हो तो इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हम उसमें पीडीएफ डाला करते हैं, पीडीएफ डालते हैं ग्रुप डी, जो ग्रुप डी है रेलवे ग्रुप डी के, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर सेट में पूछे गए हैं उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को या हमारी जितनी भी वीडियो आप देखेंगे उनको शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करने से आपके जो मित्र होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, वो हमारे इन कॉन्सेप्टों को सीख पाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप वो तरीका सीख जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। नमस्कार।